प्रेस कमांड सर अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें थोड़ा सा आपका संरक्षण चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न को मैं जिस दिन से सरकार से निर्णय लिया उस दिन से पूछता हूं, और उत्तर में इस बार ऐसा हुआ भाई साहब कि मेरे प्रश्न को संशोधित कर दिया गया और संशोधित मुझसे बिना पूछे कर दिया गया। मैंने प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में क्या नियम निर्देश कब कब बनाए गए हैं तथा इसके भविष्य सुरक्षा सुविधाओं के लिए कोई नीति या कार्य योजना बनाई जा रही क्या, यदि हाँ तो क्या है वो योजना, इसको संशोधन के लिए लंबा है छोटा है जो 36 नियम है मेरे पास कभी नहीं आए, इसको संशोधन कर दिया गया। चलिए अब संशोधन कर दिया गया कोई बात नहीं, संशोधन तो सचिवालय ने किया होगा ना, सचिवालय तो हमारे पास भेजता है, 2 प्रश्न भेजे हमने उसको कारण बताया, उस कारण को दूर करके संशोधित करके भेजा, सचिवालय हमारे पास भेजता है कि इन कारणों से संशोधित होगा या ज्यादा है लंबा है नीतिगत है। आपका तो वैसे हर एक लंबा प्रश्न रहता है। नहीं नहीं देखिए, मैं आपको कुछ जानकारी देके पूछूंगा। 23 मार्च 2021 को जिन जिन वर्गों की नियुक्ति का आदेश हुआ है 1485 का, तो 2071 लोगों की भर्ती हुई। हर बार कहा समय सीमा से बताना संभव नहीं है। फिर 30 जुलाई 2021 को मैंने प्रश्न किया तो 83 तक पहुंचा वो संख्या, 2683 71 से 83, मैंने 8 लोगों का सत्यापन उन्होंने 5 महीने में किया विभाग ने। फिर 14 मार्च को मैंने किया तो 14 मार्च 2022 को किया तो बोले कि 7571 की भर्ती हुई। अब 26 जुलाई 2002 चौथी बार इस प्रश्न को कर रहा हूं, तब भर्ती हुई है 10441 और पूरे की समय सीमा बताना संभव नहीं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं यह सत्यापन की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या पेपर लगते हैं, कौन अधिकारी कौन स्तर का अधिकारी करता है और देरी के कारण क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सपर्ट मंत्री जी का भी प्रश्न है, इसमें सत्यापन जो व्याख्याता है, व्याख्याता का सत्यापन राज्य स्तर पर होता है, डीपीआई के स्तर पर होता है, शिक्षक का सत्यापन संभागीय स्तर पर होता है जो संयुक्त संचालक शिक्षा रहते हैं, और सहायक शिक्षक का सत्यापन जिला स्तर पर होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये पूछा ही नहीं, मैं दूसरा पूछा हूं। नहीं, आपने तो यही पूछा ना, इको सत्यापन कहां करते हैं, उधर पहले पहला हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं होता, मेरे साथ उधर से होता, ठीक है ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा कि सत्यापन में क्या क्या पेपर लगते हैं, तो वही तो बता रहा हूं आपको मैं, प्रश्न पूछ लेता हूं ना, हड़बड़ा क्यों रहे, बहुत कल्याण हैं और सीएस साहब बैठे हैं और विद्वान आपके शिक्षा सचिव बैठे हैं, आईएएस एक अजमीम लिखूंगा इसको मंसूरी में कि बेस्ट लर्निंग में ये है करके, बेस्ट लर्निंग इसको आके अध्ययन किया जाए और लोगों को पढ़ाया जाए छत्तीसगढ़ के इस हरकत को करके आपके विभाग की, समझे, ये तो एकदम अनुचित बात हो गई, बिल्कुल उचित बात है। आप छत्तीसगढ़ के बेरोजगार यहाँ बैठ करके अधिकारियों के लिए क्या बोल रहे हैं, नहीं अधिकारियों के लिए नहीं बोला मैं, तो नाम माननीय मंत्री जी से आप प्रश्न करें सीधा, है ना, बता रहा हूं कि मैं लिखूंगा अकादमी में, अरे आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दर्द कैसे होगा, आज इनका लाइन लेंथ बिगड़ा हुआ है, चंद्राकर जी का लाइन लेंथ बिगड़ा हुआ है, करा लो, लगता है कल बताऊंगा आपको, घर से लड़ाई उड़ाई करके बताऊंगा, कल बताऊंगा आपको अच्छे से, घर से लड़ाई उड़ाई करके बताऊंगा, कल तो हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे पूरी तैयारी में, आज रात को बता देंगे चंद्राकर जी, कल आओ तो मैदान में, आपका ध्यानाकर्षण क्रमांक तैयारी में मैदान में आओ कल साथ। मैं जो पूछ रहा हूँ, माननीय अमरजीत भगत जी के साथ एक बड़ी विशेषता, अपने विभाग भर में नहीं बोल पाते, दूसरे के विभाग में बहुत होशियार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले हैं वो भी। मैंने यह पूछा कि सत्यापन के लिए क्या क्या पेपर लगते हैं और एक पेपर के सत्यापन के लिए कितनी अवधि लगती है और इसके देरी के कारण क्या हैं, और
कब तक हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये पूछा है मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि व्याख्याता का सत्यापन राज्य सरकार से होता है और शिक्षक का सत्यापन संभागीय स्तर पर विभागीय स्तर पर होता है। तब आप इतना लंबा प्रश्न करोगे तो सुनोगे नहीं क्या? हाँ बता रहे हो ना। चंद्राकर जी के लिए इससे अच्छा और जवाब कुछ हो ही नहीं सकता। मंत्री जी जवाब बहुत अच्छा दे रहे माननीय अध्यक्ष जी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ये पहली बार भी बोल चुके हैं उस बात को जिसको दोहरा रहे हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या लगता है, क्या क्या पेपर लगता है, एक सत्यापन में अवधि कितनी लगती है, इस पूरा नहीं बताएगा। सत्यापन में अवधि कितनी लगती है, अभी तक जो कितने दिन में सत्यापन हो जाएगा, देरी के कारण क्या है, उसमें किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है क्या, क्या? ये पूछा हूँ एक प्रश्न। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा व्यापन परीक्षा में प्राप्त मेरिट क्रम में एवं उनके द्वारा दिए गए जिले अथवा संभाग में चयनित प्राथमिकता आरक्षण रोस्टर पदों की संख्या के आधार पर सिप्स के द्वारा अभ्यर्थियों के लिए जो पोर्टल बनाया गया है उसके माध्यम से संबंधित अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र जारी किया जाता है और दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत पात्र अपात्र अभ्यर्थियों को संबंधित जिला अथवा संभाग के नेता अधिकारी। हाँ आज बता दो प्रक्रिया बता रहे, मतलब आप प्रक्रिया डिटेल से बताना जरूरी है। प्रक्रिया कारभार ग्रहण नहीं करने वाले अपात्र और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को की संख्या के आधार पर अगले चरण में उसको बुलाते हैं उसको। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल में समय बर्बाद कर वो तो सीधा पूछ रहे कि क्या क्या दस्तावेज लगता है, दस्तावेज की जानकारी दो ना। बता रहे क्रिया पूछा, दस्तावेज की जानकारी दो। बता रहे क्रिया पूछा है, क्या प्रक्रिया होता है, अरे दस्तावेज होते हैं फिर प्रश्न तो होना। मैं सुन लीजिए, आप सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रक्रिया पूछा है और क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, उसके मार्कशीट लगते हैं, कितने दिन लगते हैं ये भी बता दें, जो जो दस्तावेज हो सकते हैं, कितना समय लगता है प्रक्रिया में, कितना समय लगता है इसमें, कितना समय लगता है ये बता दीजिए, बस उबड़ जाएंगे उतने में संतुष्ट हो जाएंगे। ये तो संतुष्ट हो ही नहीं सकते माननीय अध्यक्ष, संतुष्ट करिए ना। तो आप पेज का है माननीय अध्यक्ष जी, उसको जब तक नहीं पढ़ेंगे समझ में उनको नहीं आएगा। चलिए ना प्लीज, आखिरी दिन है, कल प्रश्न आने दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सहायक शिक्षक दस्तावेज जो सत्यापन हो रहा, पहला चरण जो हुआ मार्च 21 में और दूसरा चरण जनवरी 22 में और तीसरा चरण मार्च 22 और चौथा चरण मई 22 में हुआ और पांचवा चरण जून 22 में और छठवां चरण जुलाई 22 में। ये सहायक शिक्षकों का जो दस्तावेज सत्यापन की जो हुआ पहला चरण जनवरी 2021 को, आप पूछे ना, समझ में नहीं आ रहा पूछना चाहता हूँ तो बता ही दे रहा है। अगर जवाब ना सुनना चाहे तो बहुत आप अपने प्रश्नों के जवाब से संतुष्ट हो जाए, अभी मेरा पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, उन्हें सबका पूछा है, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जबरदस्ती संतुष्ट हो जाऊंगा, आप हो जाइए, नहीं जबरदस्ती हो जाओ, मेरे कहने से हो जाइए। अरे आपके कहने से हो जाता हूँ मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी दो बात सुन ली। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आपने मुझे कुछ कहा है, उस निर्देश को सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न और उत्तर से दुखी हूँ, इसलिए संतुष्ट हो जाओ। आप छत्तीसगढ़ के बहुत वरिष्ठ राजनेता, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों को 1485 लोगों को 3 साल से चयन कर लिया गया। आप मेरे प्रश्न के उत्तर में बता देता हूं, 271 लोगों का सत्यापन 2671 23 मार्च को प्रश्न में और 30 जुलाई तक 88 लोगों का सत्यापन इस विभाग ने किया। रोना आता है ऐसे में छत्तीसगढ़ का मजाक बनाते हैं। इसलिए मैं पूछता नहीं, आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के बारे में ये बात मत करें, इनको नैतिक अधिकार बात करने का। माननीय मंत्री जी,
आप माननीय अध्यक्ष मैंने पूरा जो बता रहा था नहीं मैंने पूछ रहा हूँ जो मैं साथ में आप सुना चाहिए पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय पूछे पूछ नहीं रहा जो पूछ रहा पूछ नहीं रहा हूँ मैं संतुलन आप पूरा आपसे संतुष्ट बैठे ना आपको बोलना नहीं पूछ रहा हूँ जबरदस्ती को सुनने जब आपने व्यवस्था अभी तो तीन जब तक संतुष्ट न होगा प्रदेश में 3,139 शिक्षकों की भर्ती बाकी है कहीं कोई काम की समय सीमा होती है कि करेंगे भर्ती खाली छोटा कैसे लेते हैं आपने तो कुछ किया नहीं तीन साल से बोल रहा है साल में एक दिन भर्ती नहीं किया करेंगे इनका आंकड़ा रोज बदल जाता है प्लीज बोरा जी रोज आंकड़े मत बदला करो चलिए चलिए और एक बार याद करके लिखा करो जहां जो आंकड़ा लिखा हो वही सब जगह लिखा होना चाहिए ऐसा नहीं कि 20 किलोमीटर कहीं 22 किलोमीटर कहीं 24 किलोमीटर कहीं 15 किलोमीटर ऐसा मत लिखना मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि पूरे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का सवाल है आप अपने विभाग को कह दीजिए कि एक समय सीमा सुनिश्चित करें और उसके अंतर्गत कार्रवाई करें बात खत्म हो गई गुलाब कमरों जी माननीय अध्यक्ष महोदय चलिए आगे बढ़िए माननीय अध्यक्ष महोदय स्कूलों से संबंधित जानकारी मांगा था मैंने स्कूलों से संबंधित जानकारी मैंने मांगा था जी माननीय मंत्री जी का मुझे जानकारी मिल गया